हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानेंगे। संधि का द्वितीय भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा हम जानते हैं, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन आगे आगे व्यंजन हो और पीछे की तरफ चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तित शब्द, जो परिवर्तित वर्ण बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में, सत प्लस जन बराबर सज्जन शब्द बना है, यह त व्यंजन है और पीछे ज भी व्यंजन है। इस व्यंजन का जब इस व्यंजन से मेल होता है तो नियमों के अनुसार यह तभी आधे ज में बदल जाता है और शब्द बनता है सज्जन। तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानते हैं। इसका प्रथम नियम हम पढ़ते हैं। व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। यह नियम हमें यह बताता है कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वह तृतीय वर्ण में बदल जाता है। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व ह या कोई भी स्वर आए तो क ग में बदल जाता है, च ज में बदल जाता है, त ड में बदल जाता है, त द में बदल जाता है और प ब में बदल जाता है। यानी कि यह जो प्रथम वर्ण है वर्ग का, यह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जब हम इस नियम को पढ़ रहे हैं कि वर्ग का पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो हम यहाँ एक बार वर्गों के बारे में भी जान लेते हैं कि वर्ग क्या है। ये देखिए यहाँ पर क वर्ग, क वर्ग में यह पांच वर्ण आते हैं, क ख ग घ ग। इसी तरह से च वर्ग, च छ ज झ य। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। और प वर्ग, प फ ब भ और म। चूंकि हम इस नियम को पढ़ रहे हैं तो हमें पहले यहाँ पर वर्गों की जानकारी भी होनी चाहिए कि क से लेकर यहाँ पर म तक के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इन्हीं को पांच वर्गों में बांटा गया है। और कोई भी व्यंजन, जैसे यह व्यंजन है क, इसमें स्वर मिला हुआ है अ, तब यह पूरा क बनता है। अगर हम स्वर को अलग कर देंगे तो यह आधा क होता है, इस तरह से जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। अब हम उदाहरण से इस नियम को समझते हैं कि कैसे वर्ग का पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर शर्त यह थी कि यदि क च ट त के बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण आए या फिर कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो क ग में बदल जाता है, च ज में बदल जाता है, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण है हमारे सामने, दिक प्लस अंबर, यह क वर्ग का प्रथम वर्ण है। ये देखिए यहाँ पर हमने वर्ग लिखे हैं, ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है क, ये दिक। जब हमने यहाँ पर इसको संधि किया तो यहाँ पर हमने लिख रखा है दिगंबर, यानी कि यह क किस में बदल गया है, ग में बदल गया है। यानी कि यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, ये देखिए क ग में बदल गया है इन शर्तों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर बाद में स्वर आ रहा है। इसी प्रकार से द्वितीय उदाहरण है, अच प्लस अंत, ये च, ये च वर्ग है। च वर्ग का जो प्रथम वर्ण है च, अब नियम के अनुसार ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण ज में बदल गया है, तो अच प्लस अंत क्या बनता है, अजंत, यानी कि अ से लेकर ज तक के वर्ण। तृतीय उदाहरण है, षट प्लस आनंद, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ट, तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण में यह बदलेगा, तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, ड है, क्योंकि इसके बाद यहाँ स्वर आ रहा है
तो ये ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, षडानन। षडानन यानी कि छह मुख हैं जिसके कार्तिकेय को कहा जाता है। हम व्यंजन संधि का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। इस द्वितीय नियम में है कि न के स्थान पर अण हो जाता है। इस नियम में बताया गया है कि यदि री र श के बाद, अर्थात आगे क्या आना जरूरी है, या तो री र या श, इन तीनों में से कोई भी वर्ण अगर आता है तो न का अण हो जाता है। परंतु यदि च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, ये जो वर्ग हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन वर्गों में से और श श यदि बीच में आए तो न का अण नहीं होता है। यहाँ पर दोनों चीजें बताई गई है कि यदि री र श के बाद न आता, न का अण हो जाता है, परंतु यदि बीच में च ट और त वर्ग में से कोई भी वर्ण आता है या श श बीच में आते हैं तो न का अण नहीं होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर परि प्लस नाम, ये र यहाँ पर परि में र आ रहा है और पीछे न है तो यह न अण में परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसको लिखते हैं परिणाम। इसी तरह से कर प्लस न, ये र के बाद न आ रहा है तो न किसमें बदल जाएगा, अण में, और इस र के ऊपर रेफ लग जाती है तो यह हो जाएगा कर्ण। इसी तरह से राम प्लस अयन बन गया है रामायण। अब हमने इसमें एक शर्त लगाई है, यहाँ पर एक और नियम है, यदि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श श बीच में आते हैं तो न का अण नहीं होता। तो इसका ये उदाहरण है, यहाँ पर है अर प्लस चना, यहाँ पर र तो है और पीछे न भी है, परंतु न के आगे जो वर्ण आ रहा है यह च वर्ग का प्रथम वर्ण है च, इसलिए यहाँ पर न अण में परिवर्तित नहीं होगा और हम इसको लिखेंगे अर्चना। व्यंजन संधि का तृतीय नियम है, स के पूर्व मतलब पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो स श में बदल जाता है। जैसे हम इस उदाहरण को समझते हैं, अभी प्लस शेक, ये बन रहा है अभिषेक। हमने यहाँ पर नियम लिखा है कि स से पूर्व, ये यहाँ पर स है और इससे पूर्व ई स्वर है, यहाँ पर हमने यही लिखा है कि स के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो यहाँ पर ये स है और इसके पूर्व न तो अ है और न आ है, यहाँ पर ई स्वर है। यदि ई स्वर होता है तो इस स को हम इस श में बदल देते हैं और हमने शब्द लिखा अभिषेक। और यही नियम इस शब्द पर भी लागू हो रहा है, नी प्लस सिद्ध, नी सिद्ध हमने बनाया, यहाँ पर स का श कर दिया है। व्यंजन संधि का चतुर्थ नियम है, म के बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मतलब यही सारे व्यंजन क से लेके म तक के पांचों वर्गों के जो भी वर्ण होते हैं वह अगर आते हैं तो म का अनुस्वार बन जाता है, या तो म का अनुस्वार हो जाता है या फिर क्या होता है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण है सम प्लस गति, तो हमने इसको लिखा संगति, ये यहाँ पर म है और इसके बाद जो ग आ रहा है यह क वर्ग का तृतीय वर्ण है, इनमें से आ रहा है, स्पर्श व्यंजन है, तो हमने यहाँ पर इस ग को अनुस्वार में बदल दिया तो लिखा हमने संगति। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखा गया है कि जो बाद में वर्ण आ रहा है उसका पंचम वर्ण हो जाता है, तो बाद में ये जो वर्ण आ रहा है ग, ये ग हम देख रहे हैं, ये जो ग है ये क वर्ग का है, तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ग, इसका उच्चारण नाक और गले से करते हैं, ग है इसका, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संगति, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर अनुस्वार की जगह इसको। इसी तरह से है दूसरा उदाहरण, अलम प्लस कार, यहाँ पर म के बाद क वर्ण आ रहा है तो हमने यहाँ पर म का अनुस्वार में बदल दिया तो लिखा है अलंकार, या फिर हम इस क को पंचम वर्ण में भी बदल सकते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अलंकार। थैंक यू।